बेंगलुरु काशीनाथ हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ट्रैवल व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी हमारा जो है ट्रेन का होने वाला है, तो आगे की डिटेल्स बाद में देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ऑटो हमारा आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं येलो कलर का खड़ा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपना नीचे जल्दी से, क्योंकि हाँ ये ऑटो जो है हमने ऑनलाइन बुक करा है उबेर से। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिलहाल लिफ्ट से मिलते हैं आगे आपसे। जब तक के लिए एंजॉय करिए जर्नी को मेरे साथ। मैं बताना भूल गया था, एक्चुअली हम लोग वेंकटेश्वर टेंपल जो कि तिरुपति में पड़ता है वहाँ जा रहे हैं वेंकटेश्वर जी के दर्शन करने। तो चलिए जल्दी से अब चल के ऑटो में बैठ जाते हैं अपने, क्योंकि जो हमारी ट्रेन का टाइम है वो भी 10:35 है। अगर अभी जल्दी नहीं निकले तो शायद ट्रेन हमारी छूट सकती है, तो इसलिए जल्दी से हम निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। A few moments later. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन तो मुझे किसी एंगल से लगा नहीं, ये एक एयरपोर्ट अड्डा ही लग रहा था। मतलब बस क्या ही बोलूँ इस रेलवे स्टेशन के बारे में, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा रेलवे स्टेशन शायद हो ही ना। तो चलिए फाइनली बता ही देता हूँ, 12864 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बेंगलोर से 10:35 पर चलती है, अगले दिन 8 बजे रात को हमको हावड़ा छोड़ती है, यानी कलकत्ता हावड़ा। बट हमको हावड़ा तो जाना नहीं, एक्चुअली हमें तिरुपति जाना है, जो कि हमें शाम को 4 बजे के आसपास छोड़ देगी। इस ट्रेन का SMBT बेंगलुरु से और हावड़ा तक का जितना भी किराया हम आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे, और जो बेंगलोर से तिरुपति तक का किराया वो भी हम आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे। ट्रेन के चलने में अभी काफ़ी टाइम है, मुश्किल से आधा एक घंटा तो है ही, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस बर्गर को ही खा लें। तो बर्गर जो ये था ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, क्रंची टाइप का था जो इसके अंदर आलू था। तो बर्गर की बात छोड़िए, आप फिलहाल इस रेलवे स्टेशन को देखिए, जो कि वाकई में सीरियसली ये जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अगर कोई ऐसा रेलवे स्टेशन अपने नॉर्थ इंडिया में हो तो कृपया करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने तो आज तक देखा नहीं वहाँ पर, बट हो तो बताना ज़रूर मुझे। तो अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चल रहे हैं, जो हमें तिरुपति के लिए छोड़ेगी ट्रेन। रिजर्वेशन हमने कल करवा लिया था हावड़ा बेंगलोर ट्रेन, नहीं हावड़ा बेंगलोर, हाँ बेंगलोर टू हावड़ा। तो फिलहाल हमें तिरुपति उतरना, जो कि हमें 4 बजे छोड़ देगी तिरुपति। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। तो ये यहाँ का फुट ओवर ब्रिज है, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और ऐसा ब्रिज मैंने पहली बार देखा है रेलवे में, वरना आज से पहले तो इस तरह का देखा नहीं। और साफ़ सफाई के मामले में ये स्टेशन वाकई में नंबर 1 है, क्योंकि राइट साइड में रेड कलर की जो LHB कोच खड़े हैं, ये ही हमारी ट्रेन है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो हमारा जो कोच नंबर है वो है S1, सीट है 1, 2, 3, मतलब लोअर मिडल अपर तीनों हमारी ही है, 3 अपर 2 मिडल 1 लोअर। और इस ट्रेन की जो कंडीशन है ना स्लीपर कोच की, वाकई में एकदम 0 है। स्लीपर कोच में तो वाकई में ट्रैवल करना बेवकूफ़ी है इस ट्रेन में। मैं तो कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में ट्रैवल करें। अभी जो इसकी हालत है ना, अभी तो फ़िलहाल आपको ठीक ही लग रही है, पर जो बाहर से और जो बीच में जो रो की हालत है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी है। मतलब कीचड़ ही कीचड़ सारे में पानी फैला हुआ था, और जो टॉयलेट है उसका भी जो वेस्ट है सारा का सारा बाहर निकल रहा था। दिखाता हूँ आपका वहाँ का वेस्ट। अब रेलवे स्टेशन जो है बिल्कुल क्लीन है, और ट्रेन की हालत देखो, वाह वाह इंडियन रेलवे, वाह मज़ा आ गया देख के। खुद देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है इस ट्रेन में, ना कोई चेकिंग ना कुछ, सब कुछ बर्बाद है। ट्रेन भी हमारी 10 मिनट की देरी से चल चुकी है,
तो ये डिपार्चर है इस ट्रेन का, और देखिए ये आरपीएफ के जवान खड़े हैं। और इस ट्रेन की सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि जनरल कोच के लोग भी ना हमारे डब्बे में घुस रखे थे, इसलिए जो हमारा कोच है वो जनरल कोच से ही अटैच था, तो सारे जनरल के लोग हमारे कोच में बैठे थे। बाकी में ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे बुरी जर्नी है। तो चलिए इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हमें तो खैर तिरुपति तक जाना, पर जो हावड़ा तक जाएंगे उनकी क्या हालत होने वाली है इस ट्रेन में वो ही लोग जाने। फिलहाल इस ट्रेन से ये बाहर की व्यू है जो कि काफ़ी सुंदर, और जो ये कर्व आ रहा है काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा है, क्योंकि रेल फैन इस चीज़ के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं पहले से ही ये कर्व देखने के लिए, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और ये है यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन कृष्णराजपुरम, कर्नाटक बेंगलोर, जो कि 11:10 AM पे पहुँच चुकी थी, जो बेंगलोर में ही पड़ता है। और ये है हमारे स्लीपर कोच की हालत, जो कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, मतलब जर्नल के लोग स्लीपर में। और ये हमारे कोच से बाहर का व्यू, कल जहाँ से भी ये चलने वाली है 2 मिनट का इसका होल्ट होता है इधर। तो सीरियसली हमने इस भीड़ से परेशान हो गए, हमने इनकी रेल मदद पे कंप्लेंट भी करी कि हमारे कोच में जनरल क्लास के लोग घुसे चले आ रहे हैं, इसका कोई हमें सॉल्यूशन दे, और कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी होगी, हमें विश्वास दिलाया गया कि नेक्स्ट स्टेशन पे सहायता मिल जाएगी। बट इस स्टेशन पे भी कोई नहीं आया, रेलवे किसी ने मतलब रेलवे ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही पुलिस वाला आया, ना ही कोई टीटी आया भी तो हल्की फुल्की धक्का मुक्की दे के वापस चले गया, मतलब कोई कार्रवाई नहीं। बेंगलोर से हमारा दूसरा स्टेशन है बंगारा पेट जंक्शन। अरे चुन्नी हटा आपने, ऐसे गलती इन लोगों की भी नहीं है कि जनरल क्लास में बिल्कुल भी चढ़ने की जगह नहीं है, तो मजबूरी में इन लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि डेस्टिनेशन पर पहुँचना जरूरी है, उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। से हमारा तीसरा स्टॉप आ चुका है कुम्बम, जो कि चित्तूर जिले में पड़ता है और जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, और इस टाइम बज रहे हैं 12:42, और 12:42 के साथ ही आप देख सकते हैं सामने जनरल कोच के लोग वहाँ अपने डब्बे से निकल के हमारे स्लीपर कोच में घुसे जा रहे हैं। अब यहाँ से इनको नहीं चढ़ने देंगे तो आगे वाले में चढ़ जाएंगे, चढ़ेंगे ज़रूर, तो चलिए क्या कर सकते हैं, चलते हैं और अपने जर्नी को इन्जॉय करते हैं इस भीड़ भाड़ में। A little longer than a few minutes later. बेंगलुरु से तिरुपति के बीच का जो ये रूट है काफ़ी खूबसूरत है, आप भी एक बार इस रूट पर ट्रैवल जरूर करना, जब भी ट्रैवल करो दिसंबर नवंबर या जनवरी के सीज़न में करना, वरना आपका मुर्गा बनना तय है, गर्मी हद से ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ से समुद्र भी नज़दीक ही है, 100 किलोमीटर के आसपास है तिरुपति से, तो जब भी ट्रैवल करो सर्दी में ही करो, मौसम एकदम बेस्ट मिलेगा। वैसे मानसून के सीज़न में भी आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है वो दुगनी हो जाती है मानसून के सीज़न में।
1 hour later. तो फिलहाल हम आ चुके हैं जोलरपट्टी रेलवे स्टेशन पर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है. और तमिलनाडु में घुसते के साथ ही हाँ पुलिस की चेकिंग हुई और जनरल क्लास वालों को बाहर उतार दिया गया. और आप देखना अभी इस पुलिस वाले का खेल, जैसे ये नीचे उतरता है तो फिर से सारे के सारे जितने भी जनरल क्लास के और जो कुछ वेटिंग के लोग भी होंगे वो सारे वापस में चढ़ जाते हैं. तो इस छोटी चेकिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अंदर घुसे चले आ रहे हैं. पर इनकी मजबूरी है इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मजबूरी कुछ भी करवा सकती है. 2 hours later. Longer than a few minutes later. Guys, finally 4-5 घंटे के बाद आ चुका है हमारा तिरुपति रेलवे स्टेशन, जो इस टाइम बज रहे हैं 4:20 PM. और हमारा तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश पड़ता है, और यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है. जो नॉर्थ इंडिया में इस टाइम बिल्कुल बर्फ वाली ठंड, और यहाँ पे देख ली गर्मी ही गर्मी है चारों तरफ. और अपनी ट्रेन की जो कंडीशन है स्लीपर कोच में, वो भी आपको दिख ही रही होगी. तो चलिए चलते हैं इस थकान भरी जिंदगी में थोड़ा सा रस लाते हैं और पीते हैं कस्टर्ड, जो कि हमें 40 रुपये एक गिलास पड़ा था. जो उसके साथ ये पकौड़ी कचौड़ी भी थी जो हम नहीं ली, क्योंकि हमें ठंडा ही चाहिए था. कस्टर्ड वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था पीने में. काफ़ी दिनों बाद पिया था तो इसलिए भी शायद हमें टेस्टी लग रहा हो, और मज़ा आ गया पी के इसका. ये तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ. अब हमको यहाँ पे होटल की तलाश भी करनी है, क्योंकि कल सुबह ही सुबह हमें यहाँ से निकलना है तिरुपति बालाजी के लिए वेंकटेश्वरा टेंपल. तो चलिए होटल ढूंढते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास ही हमें मिल जाएगा कोई ना. तो हमने यहीं पे स्टेशन के पास में ही है, मुझसे 5 मिनट की दूरी पे हमने देखा होटल श्री राजमाता रेसिडेंस, जो कि हमें 900 रुपये में पड़ा है. पूरी डिटेल आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा. अभी होटल चलते हैं, होटल का बाहर का व्यू दिखाते हैं और अंदर के कमरे दिखाते हैं कैसे हैं. तो सामने आपको दिख रहा होगा ओयो के साइड में होटल श्री राजमाता रेसिडेंस, यहीं पे हमने रूम लिया है. अगर तिरुपति में होटल की बात करें तो होटल यहाँ पे 300 रुपये से स्टार्टिंग है, और जो कि 900, 1000, 1500 तक, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने तक का लेना चाहते हैं. पर होटल यहाँ पे काफ़ी चीप क्वालिटी में और लग्जरी होटल, अच्छे अच्छे होटल आपको मिल जाएगा तिरुपति में रेलवे स्टेशन के पास. तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से हम इस होटल में पहुंचे हैं, और इसका प्राइस जो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी शो कर देंगे, हालांकि हमने ओरली बता दिया है. चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके हैं और कल हमें तिरुपति बालाजी भी जाना है टेम्पल, वेंकटेश्वर जी भी बोलते हैं उनको. तो वहाँ जाते हैं और वहाँ का आज जितना भी हम ब्लॉग बना सकते हैं डिटेल देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को. तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो
तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।